हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन। इस वीडियो में हम सीखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। ठीक है ना, कोई बूलियन फंक्शन अगर हमें इस तरह से दिया है ना, तो उसको अगर मल्टीप्लेक्सर की मदद से हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या तो फिर मल्टीप्लेक्सर की मदद से उसको हमने अगर इम्प्लीमेंट करना है तो किस तरह से करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ ए बी सी डी सॉरी ए बी सी इज इक्वल टू समेशन एम 2 4 6 7। ठीक है ना, ध्यान में रखिए जो हमारा गिवन फंक्शन है ये यहाँ पे एस ओ पी फॉर्मेट में है ना। एस ओ पी फॉर्मेट और पी ओ एस फॉर्मेट क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, अगर पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो की लिंक डाल दूंगा, उस पर भी हमारा एक वीडियो हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो ध्यान में रखिए, जब हम मल्टीप्लेक्सर की मदद से अगर कोई बूलियन फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि गिवन फंक्शन हमारा एस ओ पी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर हमारा गिवन फंक्शन पी ओ एस फॉर्मेट में है तो उसको सबसे पहले हमने एस ओ पी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये फंक्शन हमारा पहले से ही एस ओ पी फॉर्मेट में है तो हम इसको सीधा सीधा मल्टीप्लेक्सर से क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी मल्टीप्लेक्सर से इम्प्लीमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा मल्टीप्लेक्सर हमें चाहिए, है ना, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर के बहुत सारे टाइप है, हमें पता है 2s2 1, 4s2 1, 8s2 1, 16s2 1, 32s2 1, ऑन सो ऑन, है ना। तो उसमें से कौन सा मल्टीप्लेक्सर हमें यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए वो हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन में हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 7। ओके, अभी 7 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 1 1, बराबर है। मतलब ये क्या है, 3-बिट नंबर है, है ना। अभी 3-बिट नंबर है तो हमें ऐसा मल्टीप्लेक्सर ढूंढना होगा कि जिसमें मिनिमम 3 सिलेक्ट लाइन्स हो, कितने, 3 सिलेक्ट लाइन्स है, 3 या तो 3 से ज़्यादा सिलेक्ट लाइन वाला भी मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे कन्वीनियंस के लिए, या तो हमारे कन्वीनियंस के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसा मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट करेंगे जिसमें सिर्फ 3 सिलेक्ट लाइन है। अभी 3 सिलेक्ट लाइन वाला मल्टीप्लेक्सर मतलब कौन सा होता है, हमारा 8s2 1 मल्टीप्लेक्सर, बराबर है, हमारा 8s2 1 मल्टीप्लेक्सर। 8s2 1 मल्टीप्लेक्सर में कितनी सिलेक्ट लाइन होती है, 3 सिलेक्ट लाइन, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8s2 1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे। देखिए किस तरह से, तो सबसे पहले तो हम हमारा 8s2 1 मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 8s2 1 मल्टीप्लेक्सर। ओके, इसके 8 इनपुट रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इनके नाम I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, है ना, 0 से लेकर 7 तक, टोटल 8 इनपुट, आउटपुट रहेगा Y। ओके, तो अभी हमने क्या करना है, ये जो गिवन फंक्शन है इसको मल्टीप्लेक्सर के हेल्प से क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करते हो क्या करना है, फंक्शन देखिए हमारा क्या है, 2 4 6 7, तो यहाँ पे 2 नंबर की पिन, ओके, उसके बाद में 4 नंबर वाली पिन, ओके, उसके बाद में 6th, ओके, उसके बाद में 7th, ये सब पिन्स हमने क्या कर लेने हैं, एक कॉमन लाइन से अटैच कर देने हैं इस तरह से, ओके, और उसके बाद में इन सभी पिनों को हमने लॉजिक 1 अप्लाई कर देना है। ठीक है ना, क्या अप्लाई कर देना है, लॉजिक 1। ठीक है, और जो रिमेनिंग पिन्स है ये वाली I0, I1, I3, I5, ठीक है ना, ये जो पिन्स है इनको भी हम कॉमनली इस तरह से एक लाइन से कनेक्ट कर देंगे। ओके, देखिए, और उनको क्या कर देंगे, लॉजिक 0 या तो फिर ग्राउंड कर देंगे, है ना, लॉजिक 0 देना मतलब ही ग्राउंड करना होता है। तो ये हो गया आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन यूजिंग एक मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो इसके बाद में और एक दूसरा सम देखेंगे। देखिए यहाँ पे
ये दूसरा न्यूमेरिकल हमें दिया है यहाँ पे एफ इज इक्वल टू समेशन एम। देखिए ध्यान में रखिए, समेशन एम इंडिकेट करता है कि आपका फंक्शन एस ओ पी फॉर्मेट में है। फंक्शन अगर एस ओ पी फॉर्मेट में नहीं है, अगर वो पी ओ एस फॉर्मेट में गिवन है, तो उसको एस ओ पी फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बात हरदम ध्यान में रखिए, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर हरदम एस ओ पी फॉर्मेट को ही फॉलो करता है। आपको इंटरनल डायग्राम अगर मल्टीप्लेक्सर की पता है, तो क्या होती है, एंड एंड गेट होते हैं और उसके उनका आउटपुट एक कॉमन और गेट से हम कनेक्ट करते हैं, बराबर है। मतलब वो पहले क्या करता है, प्रोडक्ट लेता है और उसके बाद में उनकी सम करता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एस ओ पी, है ना। इसलिए मल्टीप्लेक्सर हरदम एस ओ पी फॉर्मेट को ही क्या करता है, अलाउ करता है। तो ध्यान में रखिए, हमारा इक्वेशन हरदम एस ओ पी फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके तो देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या दिया है, 2 4 6 7 9 10 11 12। ठीक है, सबसे पहली बात, हायर बिट, हाईएस्ट बिट क्या है, 12 है, है ना। 12 का बाइनरी क्या रहेगा, 1100, है ना। ये क्या है, 12 का बाइनरी है। कितने बिट का है, 4 बिट का है। मतलब हमें ऐसा मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट करना है, ओके, मतलब हमने ऐसा मल्टीप्लेक्सर सिलेक्ट करना है कि जिसमें 4 सिलेक्ट लाइन रहेंगी। ओके अभी 4 सिलेक्ट लाइन वाला मल्टीप्लेक्सर मतलब 16:1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो देखिए ये उसके 16 इनपुट, ओके, I0 से लेके तो I15 तक, उसके बाद में 4 सिलेक्ट लाइन हमें यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। ओके B C D, पहले वाले न्यूमेरिकल में शायद, हाँ देखिए यहाँ पे ये जो 3:1 का, सॉरी 8:1 का यूज़ किया था, हमने सिलेक्ट लाइन नहीं दिखाई थी। सिलेक्ट लाइन दिखाना ज़रूरी है, ध्यान में रखिए सिलेक्ट लाइन दिखाना ज़रूरी है, ABC। ओके तो यहाँ पे भी 4 सिलेक्ट लाइन रहेगी, ABCD। उसके बाद में हम इम्प्लीमेंट करेंगे किस तरह से, जैसे उसमें किया था, क्या किया था, इन्हीं फंक्शंस को हमने, मतलब ये जो पिन नंबर है इनको हमने लॉजिक हाई से कनेक्ट कर दिया था। तो पिन नंबर 2 ये हो गई, उसके बाद में पिन नंबर 4 ये हो गई यहाँ पे, उसके बाद में पिन नंबर 6 ये यहाँ पे है, उसके बाद में पिन नंबर 7 ये यहाँ पे है, उसके बाद में पिन नंबर 9 ये यहाँ पे है, पिन नंबर 10 यहाँ पे है, पिन नंबर 11 यहाँ पे है, उसके बाद में 12। ओके तो इनको हमने क्या करना है, एक कॉमन लाइन से कनेक्ट कर देना है और उसको लॉजिक 1 अप्लाई कर देना है। तो ये हो गया हमारी कॉमन लाइन। ओके और इसको हम क्या दे देंगे, लॉजिक 1, और बाकी लाइंस को हमने ग्राउंड कर देना है। ओके तो इनको इस तरह से डॉट करना मत भूलिए, ताकि समझ सके कि भाई कनेक्शन कहाँ पे है, नहीं तो सभी लाइन ऑलरेडी एक दूसरे से कनेक्टेड ही दिखती है। ओके ये बाकी लाइंस के कनेक्शन यहाँ पे बन गए, और यहाँ पे हम इसको ग्राउंड कर देंगे, मतलब लॉजिक 0 अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये तो काफ़ी सिंपल फंक्शन थे, जिसमें हमें एक सिंपल सा बुलियन इक्वेशन दिया गया था, और उसको जो जो भी रिक्वायर्ड, मतलब बुलियन फंक्शन के हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड हमारा मल्टीप्लेक्सर है, हम उसके मदद से उसको क्या कर रहे थे, इम्प्लीमेंट कर रहे थे। लेकिन सोचिए, ये 16:1 मल्टीप्लेक्सर वाला बुलियन फंक्शन हमें यहाँ पे दिया गया है, ओके, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन अगर ये पूछा गया है कि यही फंक्शन हमने 4:1 मल्टीप्लेक्सर के यूज से क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, या तो फिर यही फंक्शन हमने 8:1 मल्टीप्लेक्सर के मदद से क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ठीक है ना, तो वो जो टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। एट द एंड में आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दी गई मेरी टेलीग्राम की लिंक आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे चैट रूम में आप आपका डाउट मुझे पूछ सकते हो, मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आपको रिप्लाई करेगा। उसी के सिवाय मेरा ट्विटर पेज का लिंक भी वहाँ पे अवेलेबल है, आप मेरे ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।